तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव विनय यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं विनय। और कैसी है मेरी क्रिएटिव आर्मी? और क्रिएटिव आर्मी से जुड़ने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्रिएटिव आर्मी में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमने बनाया है ये पावर बैंक, और ये पावर बैंक काफ़ी पावरफुल पावर बैंक है क्योंकि हमने इसे लैपटॉप की बैटरी से बनाया है। एक लैपटॉप में जितनी बैटरीज होती हैं, एक लैपटॉप की बैटरी में जितनी पावर होती है, वो सारी पावर हमने इसके अंदर पैक करके रखी है। और ये पावर बैंक काफ़ी पावरफुल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने VC लिखा हुआ है, यानी ये हमारे क्रिएटिव विनय चैनल का जो हल्का सा लोगो है वो आप इस पर देख सकते हैं। और मैं पहले इसे चार्ज करके दिखा देता हूँ, आप इसे माइक्रो USB से चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 54% चार्ज है अभी। और अब मैं इससे आपको मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें दो पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक पोर्ट हमारा स्लो चार्जिंग के लिए है और एक पोर्ट फास्ट चार्जिंग के लिए है। जहाँ हमें स्लो चार्जिंग में मिलता है 5 वोल्ट और 1 एम्पियर की पावर। आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर, यानी ये फास्ट चार्जिंग वाला पोर्ट है। इसके अलावा इसमें दूसरा पोर्ट भी है, दूसरे पोर्ट में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दूसरे पोर्ट में भी हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर का पोर्ट है। तो इस तरह से हमने ये काफ़ी पावरफुल पावर बैंक बनाया है, आप भी इसे अपने घर पे बना सकते हैं। और चलिए आज की वीडियो में हम इसी को बनाना देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. हमने यहाँ तक अपना फ्रेम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपना जो पावर बैंक का मॉड्यूल है उसको हम इसमें रखेंगे, तो फिक्स करेंगे और इसे बड़े ही आराम से यहाँ पे फिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि ये बड़े ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स हो गया है। और यहाँ पे हमने इसकी जो LCD है जहाँ से हम चार्जिंग वगैरह देखेंगे उसको कट कर चुके हैं पहले ही। और अब यहाँ पे हम जहाँ से चार्जिंग का आउटपुट लेंगे और यहाँ पे चार्जिंग के लिए जहाँ से चार्ज करेंगे उसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। इस पर ही मैंने कट कर रखा है, इसको यहाँ पे ये बड़ी आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स हो गया है। इसके अलावा हमें जो हमारी ये चार्जिंग पोर्ट थी इसको भी हमें कनेक्ट करना है, तो पहले मैं इसी को कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम अपने बैटरी पैक को भी इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पावर बैंक है वो लगभग बन के कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पावर स्विंग भी शुरू कर दिया है इसने। हमें हमारी बैटरी के नीचे भी ग्लू लगाकर उसे भी अच्छी तरह से वहीं पे फिक्स करना है। हमें यहाँ पे ग्लू गन डाल देनी है ताकि हमारा जो बैटरी पैक है वो इधर उधर खिसके नहीं।
और इसी के साथ हमारा जो पावर बैंक है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। बस अब हमें इसको पीछे से भी कवर करना है, इसके बाद हम इस पर कलर कर देंगे और हमारा पावर बैंक है जो वो कम्प्लीटली बन के तैयार हो जाएगा। Thank you.